Hello students, the best Christmas present in the world chapter और main इसके characters आपके सामने बेटा ये paper पे आपके सामने जो लिखे हुए आ रहे हैं. First character is Jim McPherson. वो कौन थे? एक teacher थे Dorset में जो enroll हुए army में due to First World War. और उन्हीं की wife का नाम है Connie McPherson, जो Jim's wife लिखा हुआ है. Hence Wolf सेलो प्लेयर थे, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर थे, लेकिन उनको भी जर्मनी की आर्मी में इनरोल किया गया, रिक्रूट किया गया क्योंकि वॉर हो रही थी और उन्हें एक जर्मन ऑफिसर बना दिया गया. अब इसके ये तीन मेन करेक्टर्स के अलावा आपको अभी पता चलेगा कि ऑथर जो हैं, ये स्टोरी स्टार्ट होती है, आपने रीड किया है स्टोरी, आपको भेजी थी PDF मैंने, कि ये स्टोरी शुरू होती है जब ऑथर एक पुराना टेबल लेकर आया है. रोल टॉप टेबल है जो ओक वुड से बना हुआ है. उसके पास हो सकता है पैसे ज़्यादा नहीं हैं तो वो ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता था, इसलिए वो एक स्क्रैप शॉप से, सपोज़ कबाड़ी की दुकान से एक पुरानी चीज़ लेकर आता है जो थोड़ा सा जला हुआ है, थोड़ा सा ख़राब है, उसके ड्रॉर्स जो है वो जाम है, लेकिन उसे क्योंकि उसको ठीक करना आता है, वो इस पर इस काम को खुद कर सकता है, इसलिए वो पुराना लेकर आया. इसके बाद जब क्रिसमस ईव पे, क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले, वो जब आप उस टेबल को ठीक करने लगता है, उसके ड्रॉर को खोलता है, तो वहाँ पर एक टिन बॉक्स मिलता है जो सील्ड है, टेप किया हुआ है उसके ऊपर, टेपिंग करके, और साथ में लिखा हुआ है, टैग किया गया है जनवरी 25, 1915, 1515, 25 जनवरी 1915, और ऊपर लिखा है लास्ट लेटर ऑफ जिम टू बी बरेड विद मी व्हेन आई डाई. मेरा जिम द्वारा लिखा गया आखिरी पत्र जो मेरे मरने पर मेरे साथ ही दफनाया जाए. अब यहाँ पर जब ये ऑथर को मिलता है, स्टोरी स्टार्ट हुई, उसने एक टेबल लिया, टेबल के अंदर ये टिन वाला बॉक्स मिल गया, उसको वो लेटर को पढ़ता है क्यूरोसिटी में, उसे पता चलता है, और उस लेटर के अंदर ही डिस्क्रिप्शन दिया गया है किस तरह से जो सोल्जर्स थे दोनों आर्मीज़ के, जर्मन आर्मी और इंग्लैंड की आर्मी, उनके बीच में कैसा, उनके मन में कैसा उस समय चल रहा था और उनके बीच में कैसे रिलेशंस थे. तो वहाँ पर उस लेटर से पता चला कि वहाँ क्रिसमस की ईव पर, जो अब क्रिसमस है, इसी तरह जब वहाँ पर वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर थे और दोनों ही अपने बॉर्डर्स के पास में लड़ाई के लिए तैनात थे, लेकिन उनमें से एक सफ़ेद झंडा लेकर, जो आपको पता है कि शांति का प्रतीक होता है, लेकर आगे दौड़ता है, और दूसरी आर्मी भी उसको देखकर आगे इनिशिएटिव लेती है, आगे बढ़ती है और समझने की कोशिश करती है कि वह क्या चाहते हैं, और बाद में वो लोग उसको इंजॉय करते हैं, अपने वो वहाँ सर अपने चीज़ें लेकर आए हैं पार्टी के लिए, इधर से ये लोग भी अपनी चीज़ें निकालते हैं, और उन्हीं में से कोई एक फ़ुटबॉल लेकर आ जाता है, वो लोग फुटबॉल मैच खेलते हैं. फाइनली जो इनके वहाँ ऑफिसर्स हैं, जिनमें से एक ऑफिसर जिम मैकफर्सन है जो कि इंग्लैंड की तरफ से है, और हैंस वुल्फ जो जर्मनी के ऑफिसर थे, ये दोनों साथ बैठे हैं, अपनी सारी बातें कर रहे हैं. हैंस वुल्फ कभी इंग्लैंड नहीं गया, लेकिन वो इंग्लैंड के बारे में बहुत कुछ जानता है. जब जिम उसको स्वीट्स खिलाता है, केक्स खिलाता है जो कॉनी ने दिए थे, तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है. फाइनली उन लोगों के बीच में बात होती है कि आखिर ये वॉर क्यों होती है, इस वॉर को करने का रीज़न ही क्या है, इसका तो रिज़ल्ट हमेशा डेथ्स और बर्डन्स में होता है, तो क्यों ना हम सब जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे मन मुटाव हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन्हें किसी मैच को खेल कर ही निपटा लें. उस तरह उनका मैच होता है, मैच में जर्मन जीत जाते हैं, लास्ट वो एक दूसरे को विश करते हुए, मैरी क्रिसमस करते हुए चले जाते हैं. ये सब डिस्क्रिप्शन उस लेटर के अंदर दिया गया था जो जिम ने कॉनी को लिखा था आफ्टर क्रिसमस, कि कैसा रहा उसका क्रिसमस ईव, क्रिसमस के समय में जो उसको मिला. अब ये जब लेटर उसके पास है और ये क्रिसमस का ही समय है, तो ऑथर को लगता है क्यों ना मैं ये लेटर उनके पास पहुंचा दूं, जिन्होंने इतने मन से इसको रखा हुआ है और उनका इतना ज़्यादा लगाव है इस लेटर से कि उन्होंने अपनी डेथ पर भी इसको चाहा कि ये मेरे साथ ही दफनाया जाए.
ऑथर जाते हैं, उनका पता करते हैं, एड्रेस लिखा हुआ था लेटर पे, वहाँ पहुँचते हैं, जो एड्रेस है 12 कॉपर बीचेस बियर्डपोर्ट इंग्लैंड। वहाँ जाकर पता चलता है कि वो घर को आग लग गई थी, क्योंकि कॉनी जो थी वो मनी सेव करने के लिए कैंडल्स का यूज़ करती थी, और वन ऑफ द कैंडल को उसके एक कैंडल की वजह से कुछ ऐसा हुआ प्रॉब्लम, और उस वहाँ पर आग लग गई, और आग में किसी तरह कॉनी को बचा लिया गया। और इस समय वो एक किसी नर्सिंग होम में है, और और हो सकता है कि वो जो सारा सामान था जो ख़राब हो चुका था, कुछ कुछ घर तो पड़ोसियों ने या सब ने मिलकर उस सामान को, हो सकता है कबाड़ी को बेच दिया था, जो अब ऑथर को टेबल मिला। वो उस लेटर को लिखकर उस नर्सिंग होम में पहुंचते हैं, और सब लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बाहर हैं, लेकिन कॉनी कहीं अंदर कमरे में अकेली बैठी है। और बाय द चांस कॉनी को जब वो लेटर जाकर देने, वहाँ पहुँचते हैं देने ऑथर, तो फर्स्ट कॉनी उन्हें समझती है कि जिम खुद आ गए, और वो कहती है कि अच्छा हुआ जिम तुम आ गए। वो उनकी प्रेजेंस को महसूस करती है उस लेटर की प्रेजेंस की वजह से। वहाँ पर एक भावुक सिचुएशन है, भावुक माहौल बन जाता है, और फिर यह एहसास हमें फिर दोबारा याद आता है कि क्यों ना हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी मनमुटाव को हमेशा आसानी से मिल बैठकर पीसफुली, या ये मैचेस स्पोर्ट्स के थ्रू ही सॉल्व कर लें, रिजॉल्व कर लें उन्हें। बेटा ये तो आपका था चैप्टर समरी, देन आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप? तो वो जंक शॉप भाई कबाड़ी की दुकान है, जहाँ उसको वहाँ पर क्या मिला? तो वहाँ पर उसको एक रोल टॉप डेस्क मिला, जो ओक ट्री की वुड से बना हुआ है, बैड कंडीशन में है, जला हुआ है। उसका एक जो लेग है, वन ऑफ द लेग्स वॉज क्लम्जली मेंडेड एंड देयर वर स्क्रॉच मार्क्स, उसमें मार्क्स बने हुए हैं, जले हुए के निशान हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर? अब उसको उस सीक्रेट ड्रॉर में, जो रोल ड्रॉप की वो बनी हुई है, उस सीक्रेट ड्रॉर में उसको क्या मिला? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? उसको उस ड्रॉर में वो टिन का बॉक्स मिला था, और वो किसने रखा होगा? वो कॉनी ने रखा होगा, जब उसके पास वो लेटर आया, रिसीव किया होगा उसने, जिस पर ये लिखा था। और वो डेट भी मेंशन की गई है कि जनवरी 25, 1915, 1915 में ये उसे प्राप्त हुआ था। उसके बाद हु हैड रिटन द लेटर टू होम एंड वेन? किसने लिखा था? जिम ने लिखा था वो लेटर। और हु हैड गॉन टू फाइट द वॉर अगेंस्ट जर्मन्स? हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी मैकफर्सन ऑन डिसम्बर 26, 1914। वाई वॉज द लेटर रिटन? वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैपन्ड? तो वो लेटर क्यों लिखा गया था? जिम रोट द लेटर टू टेल हिज वाइफ अबाउट अ वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन ऑन क्रिसमस डे। वो जो एक बहुत अच्छी चीज़ क्रिसमस डे पर हुई, और ब्रिटिश और जर्मन जो थे, वो जो वॉर के लिए आए हुए थे, उन दोनों ही ट्रूप्स ने, उनके जो ग्रुप्स थे आर्मी के, उन्होंने मिलकर उस वॉर वाली सिचुएशन में भी अपने क्रिसमस को किस तरह से सेलिब्रेट किया, और एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेला। व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? तो अभी मैंने आपको पहले बताया कि हैंस वुल्फ कौन थे, एक ऑर्केस्ट्रा में प्लेयर थे, सेलो प्लेयर थे, म्यूजिशियंस थे, और जो मैकफर्सन है वो एक टीचर थे स्कूल के। हैड हैंस वुल्फ इवन बीन टू डॉर्सेट? वाई डिड ही से ही न्यू इट? नो, वो कभी नहीं गए थे, उन्होंने कभी भी डोरसेट देखा नहीं था, वो इंग्लैंड गए नहीं थे, लेकिन वो इंग्लैंड के बारे में एक बुक जो थॉमस हार्डी ने लिखी थी उसमें उसके बारे में पढ़ चुके थे। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? क्या आपको लगता है कि वो वापस, जिम जो थे वो वॉर से वापस आए? हाउ डू यू नो दिस? तो अब इसका आंसर है नो, इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकफर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम वॉर। इन द सेलो टेप नोट पेपर इट वॉज रिटन दैट द लेटर वॉज जिम्स लास्ट लेटर। कॉनी मैकफर्सन डिड नॉट रिसीव एनी मोर लेटर्स फ्रॉम हिम। द स्टेटमेंट गिवन बाय द नेबर्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन
The nurse at the nursing home showed no reference of Jim. The neighbor said she lived alone, and the nurse said she had no family as not one visited her till date. अभी तक उसके पास कोई ऐसा हमें अनुमान नहीं मिला कि कोई उसे विजिट करता था, कोई उसे देखने आता था, तो इसीलिए. और उसके लास्ट लेटर है ये, उन्होंने खुद भी लिखा हुआ है, तो जिम वहाँ से वापस नहीं आया. वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? तो ऑथर जो लेखक है वो वहाँ क्यों जाते हैं, क्योंकि उस पर वो लेटर पे एड्रेस लिखा हुआ था, और मिसेस मैकफर्सन वहाँ पर रहती हैं. जो हमें एड्रेस पता है 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉरसेट. ही वॉन्टेड टू गिव दैट लेटर बैक टू हर. ही वॉज फीलिंग गिल्टी फॉर ओपनिंग हर लेटर. वो उस लेटर को वापस देना चाहते थे, और उन्हें बुरा लग रहा था कि उन्होंने किसी के और के पत्र को खोल कर पढ़ा. हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ? वेयर वॉज शी? तो वो अब 101 ईयर्स ओल्ड हैं, और वो इस समय एक नर्सिंग होम में थी जो बर्गलिंगटन हाउस है, डॉरसेट रोड पर, वहाँ पर है. हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? कोनी मैकफर्सन ने क्या सोचा कि ये विजिटर कौन है? तो जब वहाँ पर ऑथर पहुँचे थे, तो उन्होंने सोचा, कोनी मैकफर्सन थॉट दैट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम, एज द नरेटर वॉज कैरिंग हिज लेटर. विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज, आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क एंड अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट बाई, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. तो वो यही कह रहे हैं कि मैंने तो एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी सुन रही थी. फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड kept Jim's letter? Give reasons for your answer. Connie must have kept Jim's letter for a long time. This is because she told the narrator how she read it quite often every day, so that she could feel that Jim was near her. वो ये महसूस करती थी, और लगभग हर रोज उसे पढ़ती थी और महसूस करती थी कि जिम उसके आसपास ही है. Why do you think the desk had been sold, and when? The desk must have been sold when the house in which Connie McPherson lived had caught fire. उस डेस्क को कब बेचा गया होगा और क्यों? जब आग लग गई थी उस घर में, तो उस डेस्क को बेच दिया गया. She was taken to nursing home. उसे नर्सिंग होम ले जाया गया. All the burned up things must have been sold after that. और उसके बाद सभी जली हुई चीज़ों को सोल मतलब सेल कर दिया गया था, तब उनको सेल कर दिया गया होगा, जो बची कुची बेकार चीज़ें अब जो अब किसी के काम की नहीं रह गई थी, क्योंकि अब कोनी भी वहाँ पर नहीं रह रही थी, वो नर्सिंग होम में रह रही थी, तो उसकी सभी चीज़ों को सेल कर दिया गया. वाई डू जिम एंड हेंस थिंक दैट गेम और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? डू यू एग्री? अब यहाँ ये सबसे अच्छा वैल्यू क्वेश्चन है कि आप क्या सोचते हैं कि जिम और हेंस ये सोचते है कि जो गेम्स है या खेल है वो एक अच्छा तरीका है किसी भी परेशान जो हमारे मन मुटाव है उन्हें निपटाने का. तो आप क्या एग्री करते हैं इस चीज़ से? जिम एंड हेंस थॉट दैट गेम्स आर और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज नोबडी डाइज इन मैचेस. क्योंकि स्पोर्ट्स में कोई मरता नहीं है. नो चिल्ड्रन आर ऑफेंड एंड नो वाइव्स बिकम विडोज. ना ही बच्चे अनाथ होते हैं, और ना ही जो वाइफ्स होती हैं वो विधवा होती हैं, क्योंकि कोई मरता नहीं है, किसी की जान नहीं जाती. ड्यू टू दीज रीजंस गेम्स आर गुड वेज फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स. वॉर्स ओनली लीड टू डेथ एंड डिवेस्टेशन. आई डू एग्री विद देम एज इट इज़ द बेस्ट वे टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू एनिमी कंट्रीज विदाउट लूजिंग सो मैनी थिंग्स. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम उस परेशानी से, उन जो मित्री मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके परिवार के लोगों के जो परेशानी होती है और वो जो अकेले रह जाते हैं, उन सब का वो लूज़ करने वाली जो एक फीलिंग है कि वो सब छूट जाता है, सब उससे बच सकते हैं अगर हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को स्पोर्ट्स के थ्रू रिजॉल्व कर लें.
Next question is, do you think the soldiers of the two armies are like each other or different from each other? Find evidence from the story to support your answer. तो यहाँ पे ये क्या दोनों सोल्जर्स एक जैसे थे या दोनों एक डिफरेंट थे एक दूसरे से, और उसके कुछ एविडेंसेस हमें स्टोरी में से बताना है कि क्या हम इस बात को कैसे सपोर्ट करते हैं. तो देखिए बेटा, द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर. दोनों एक जैसे थे, दोनों ही ह्यूमन बींग्स हैं, दोनों की फीलिंग्स अच्छी थी, दोनों ही जो आर्मीज थी ट्रूप्स थे वो एक दूसरे के पास आए, क्रिसमस विश किया. बोथ द आर्मीज celebrated Christmas. Both the armies shared their food and spent time together in smoking, laughing, talking, drinking and eating. They played a football match and agreed that conflicts and disputes may be resolved by football match. उन दोनों टीम्स ने खेला, उन दोनों आर्मीज ने टीम में खेला फुटबॉल मैच, और ये सोचा कि जो भी ये मनमुटाव है क्यों ना इन्हें एक फुटबॉल मैच से ही निपटा दिया जाए. They agreed about the negative aspects of war and longed peace. वो दोनों ही एग्री करते थे कि जो वॉर है, जो लड़ाई है, युद्ध के हमेशा परिणाम जो होते हैं वो बेकार होते हैं, गलत होते हैं, नेगेटिव होते हैं, हमेशा उससे नुकसान होता है. दे एक्सचेंज कैरल्स एंड होप टू यूनाइट विद द फैमिलीज अगेन. उन्होंने सॉन्ग्स गाए, कैरल्स जो वो सॉन्ग्स गाते हैं क्रिसमस के समय, और यही होप किया, यही आशा की कि हम जल्दी ही अपने परिवारों से जाकर मिलेंगे. आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा, क्वेश्चंस क्लियर हैं. नाउ राइट डाउन दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स केयरफुली विद करेक्ट स्पेलिंग इन योर नोटबुक्स. थैंक यू.